हेलो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ मिट्टी बिखेरी हुई है। जो मैंने आपको पहले गार्डन दिखाया था अपना, जो ख़राब हो गया था, फ़िलहाल सब कुछ पौधे ख़राब हो गए थे उसके, तो ये मैंने वहीं से ही मिट्टी भी निकाली है उन्हीं डब्बों में से। और आप देख रहे हैं, ये मैंने एक चूल्हे का बॉक्स लिया हुआ है, ये 6 से 7 इंच का बॉक्स है और इसमें मैंने अच्छे से पन्नी बिछा ली है। मोटी पन्नी है ये, अच्छी सी है, तो कहीं से फटी हुई भी नहीं है। तो अब जैसे मैं इसमें मिट्टी डालूंगी और जैसे पानी वगैरह छिड़कूंगी तो ये ख़राब नहीं होगी। और इसके नीचे मैंने ये 5 ईंटें बिछाई हैं, एक बीच में और चारों तरफ कॉर्नर पे। तो ये मिट्टी उपजाऊ है, तो इसमें जल्दी ग्रो हो जाएगी जो भी चीज़ मैं लगाऊंगी। अभी इसमें फ़िलहाल मैं धनिया लेकर आई हुई हूँ, तो आप देख सकते हैं मिट्टी कैसी है अभी। तो इसमें कहीं कहीं जड़े वगैरह भी हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ मैंने निकाल दी है, साफ़ कर लिया अच्छे से। तो आप ये देख रहे हैं, इन बॉक्स में से निकाली है मैंने, ये इन बोतल में, इन डब्बों में थी, और जो सूखी बेलें थी वो मैंने हटा दी। और ये मैंने धनिए का बीज है जो मैंने अच्छे से पहले भिगोया, 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। और ये तो मैंने बीज लिया हुआ है, और ये वाला मैंने धनिया लिया जो हमारे मसालों में यूज़ होता है, सूखा धनिया, ये वो वाला मैंने लिया हुआ है। इसको भी मैंने बारीक कूट लिया है, बारीक नहीं मतलब 2 टुकड़ों में कर लिया है इनको भी। तो अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको हम बोने की तैयारी कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल ये मिट्टी है, थोड़ी इसमें नमी थी क्योंकि अभी बारिश पड़ी थी, तो ये थोड़ी गीली है, तो मैंने ये देखिए इसमें बिछा दी है अभी। तो अभी ये इस तरीके से बिछने के बाद इसमें कम से कम 2 से 2.5 इंच जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि ये ऊपर आ सके और इसको थोड़ा सहारा मिल सके, जो भी हम इसमें प्लांट लगाते हैं या जो भी हम पौधे लगाते हैं इसमें। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ये मिट्टी बिछी हुई है अच्छे से, मैंने एकदम सही उसमें बिछाई है, लाइन वाइज, ऐसे नहीं है कि हाँ ख़राब है, इधर ऊंची नीची है कहीं पर भी। तो ये देखिए ऐसी भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए, इसमें अच्छे से जड़ें ग्रो कर जाती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने कर लिया। अब आप चाहे तो ऐसे लाइन वाइज आप इसमें लगा सकते हैं धनिया, लेकिन लाइन वाइज थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा चारों ओर वैसे ही इसमें डाल दूंगी, छिड़क दूंगी मतलब बीज को। और मुझे लगता है शायद जगह थोड़ी कम पड़ेगी, पर जो भी है मैं सारा बीज इसमें एडजस्ट कर दूंगी फ़िलहाल। तो मैं ये देखती हूँ एक बार कि कौन सा धनिया ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। फ़िलहाल मैं एक तरफ तो वो बीज छिड़क रही हूँ जो उनसा मैं खरीद कर लेकर आई हूँ बीज, तो इस पे थोड़ा कुछ केमिकल लगा हुआ है क्योंकि ये लाल रंग का है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा थोड़ा जगह जगह बुरक रही हूँ इस तरीके से। तो ये जब लग जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो पूरी दिखाऊंगी जो भी मतलब इसमें धनिया जैसे जैसे ग्रो करेगा। ये ध्यान रखें एक जगह ही ज़्यादा बीज ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा बीज एक जगह पड़ जाएंगे तो फिर वो जड़ें वीक हो जाती हैं, क्योंकि उनको पूरी तरीके से जगह नहीं मिलती है फैलने के लिए। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूराई पे ही छिड़का है इस तरीके से। गीले हैं इसलिए थोड़ा 2-4 आधा इधर उधर चिपक रहा है, लेकिन वो जैसे मैं पानी डालूंगी तो मैं इसको अलग अलग कर दूंगी। तो अभी ये जैसे है इसमें बिखेर दें, कम से कम ये धनिया तो घर का मिल जाएगा अपना। अभी तो मैंने धनिया ग्रो किया, उसके बाद जितनी भी मिट्टी जो मैंने अभी आपको दिखाए थे थोड़ा थोड़ा मैं उसको भी लगाऊंगी। पिछली बार मैंने काफ़ी कुछ ग्रो किया था लेकिन सही से वो सेट नहीं हो पाया क्योंकि छोड़ना पड़ा बीच में। तो अभी ये देखिए मैंने इसमें धनिया आधे में ग्रो कर दिया, जो उधर की जगह है उसमें मैं मसाले वाला छिड़क दूंगी ताकि उसका भी पता चले वो कैसा ग्रो करेगा। अगर वो भी अच्छा ग्रो किया तो फिर मैं आगे से उसको भी ग्रो कर पाऊँगी। अभी तो फिलहाल ये बीज आया था, 20 रुपये का पैकेट आया था, सॉरी गाइस मैं आपको वो नहीं दिखा पाई पैकेट। तो आप भी अगर मार्केट से लाएँ तो ऐसे मिल जाता है, और मसाले वाला थोड़ा और सस्ता पड़ जाता है, लेकिन वही है कि हमें बीज ये देखना है कि हमारा ग्रो कौन सा अच्छे से करेगा। तो ये देखें मैंने थोड़ी सी जगह में ये निकाला है इधर, और काफ़ी जगह में मैंने ये वाला बीज छिड़क दिया है, और कुछ मिट्टी हमारी ये बच भी गई है। लेकिन इस मिट्टी को मैं इसके ऊपर बीज पर छिड़क दूंगी, अभी मैंने पानी नहीं डाला है इस पर। पहले मैं मिट्टी छिड़कूंगी, उसके बाद मैं ऊपर से पानी डाल दूंगी इस पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने इस पे सारे पे मिट्टी इस तरीके से कर दी, क्योंकि जैसे हम छत पे मैंने इसको बोया है तो जो यहाँ कबूतर वगैरह आते हैं, गिलहरी आती हैं, तो जो ये फूल जाते हैं बीज, तो वो उनको निकाल लेते हैं यहाँ से, खाते हों पता नहीं खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन फेंक जरूर देते हैं, निकाल निकाल के बिखेर देते हैं इधर उधर। तो अभी मैंने इस पे अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया इन बीजों को, और ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी डालनी है। तो ये लिया मैंने स्प्रे बोटल, और मैं अभी इसमें पानी से थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर रही हूँ, पूरी मिट्टी को अच्छे से भिगो दें। इतना तो कर दें कि बीज तक नमी पहुँच जाए, हद से ज़्यादा भी ना डालें, लेकिन इतना कर दें कि ऊपर ऊपर से अच्छे से छिड़काव होने के बाद ये अच्छे से भीग जाए थोड़ा थोड़ा बीज, क्योंकि इसी हिसाब से ही वो फूटेगा। तो अभी मैंने फर्स्ट इसमें धनिया ग्रो किया है, उसके बाद जो कुछ और मैं ग्रो करूँगी तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। तो अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने किस तरीके से ये मिट्टी को अच्छे से नमी दे दी है, अच्छे से पानी इसमें डाल दिया है कि हद से ज़्यादा गीली भी नहीं है और हद से ज़्यादा वो भी नहीं। अभी मिलते हैं हम इसको 6 से 7 दिन बाद।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7 दिन तो नहीं हुए, 8-9 दिन हो गए हैं आई थिंक। हाँ, 9 दिन हुए हैं अभी फ़िलहाल। तो ये देखिए 9 दिन में ये इस तरीके से, ये देखिए एक छोटा सा धनिया का पत्ता निकला हुआ अभी है ये, लेकिन ये सिर्फ अभी एक ही पत्ता मुझे इसमें नज़र आया, वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी सब इस तरीके के पत्ते हैं। और आप देख रहे हैं अभी बहुत तेज़ आंधी तूफान सा आया था, एक दिन बहुत तेज़ बारिश आई थी, जिस वजह से मेरी जो ये बॉक्स था ये थोड़ा सा टूट गया साइड से, लेकिन फिर भी धनिया अभी बरकरार है, ये ख़राब नहीं हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइड में है ये भी थोड़ा कम कम उगा है, जो मैंने मसाले वाला लगाया था, और जो बीज है वो थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रो कर गया है। तो अभी ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये थोड़ा है भी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर होगा, क्योंकि छोटा छोटा फूट के आ तो रहा है बाहर मिट्टी से, तो बड़ा भी हो ही जाएगा जल्दी से। तो अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी यहाँ पे छोटे छोटे आप ये भी देख रहे हैं, ये भी मसाले वाला जो मैंने लगाया था ये उसका है, तो ये भी फूट रहा है, निकलेगा ये भी ज़रूर। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, ये मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, बी सपोर्ट, क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपको बनाकर देती रहूँगी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये प्लांटेशन वगैरह करना, ग्रो करना, पेड़ पौधे लगाना। आपको कैसा लगता है आप भी ज़रूर बताएं मुझे कॉमेंट करके। तो अब मिलते हैं 15 से 20 दिन के बीच में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी 20 दिन तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन यह है कि 15-16 दिन शायद हो गए हैं, मैंने अभी देखा नहीं है ठीक से, लेकिन 15-16 दिन हो गए हैं। और उस हिसाब से आप ये देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, या मैं ये कहूँ मुझे ही ज़्यादा जल्दी थी फटाफट वीडियो बनाने की, क्योंकि मैं चाहती थी मैं आप सबको ये चीज़ दिखाऊँगी। अभी देखिए इतने इतने धनिया के पत्ते आए हैं इसमें, और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है धनिया। और अब आप देख सकते हैं, अब कोई जगह ऐसी नहीं है कि ज़्यादा खुली खुली है, अच्छे से धनिया भी चल रहा है। वो आप देख रहे हैं वो साइड, ये मसाले वाली है, इस पर भी धनिया अच्छे से ग्रो कर गया है। और ऐसा नहीं है, अभी भी जो छोटे मोटे बीज हैं वो अभी भी ग्रो करने लग रहे हैं थोड़े थोड़े मिट्टी में। और ये इसमें भी पता नहीं क्या लग गया, ये भी, ये जो वेस्ट है ये मैं निकाल के फेंक देती हूँ बाहर, क्योंकि ये फालतू में अपनी जगह बना लेगा और धनिया को कम पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे जगह कम लग रही है और बीज थोड़ा ज़्यादा, वही हुआ है, थोड़ा धनिया कुछ ज़्यादा ही मतलब लग गया है, ये देखिए इस तरीके से काफ़ी फैल गया है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, अच्छी लगी है ये। अभी ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें मिट्टी मैंने काफ़ी डाली थी, इसमें मैंने 5 इंच तक मिट्टी भर दी थी और 2 इंच ऊपर मैंने जगह खाली रखी थी फ्रेंड्स। तो अभी आप देख रहे हैं कैसा हरा हरा धनिया अभी लगा हुआ है। अभी मैं इसको हार्वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं पत्ते, नाजुक हैं काफ़ी, तो थोड़े जब ये जगह पक जाएगी, अच्छे से बन जाएंगे, अच्छे बड़े बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको हार्वेस्ट करूंगी, और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। लेकिन उसके लिए आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको वीडियो बना बना कर ऐसे दिखाती रहूं। और भी मैं काफ़ी कुछ ग्रो करने वाली हूँ, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी देखिए कितना लंबा हो गया ये, ज़्यादा नहीं, 3-3 इंच का तो ज़रूर हो गया है लंबा, क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ। तो अभी शायद मोबाइल में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा वीडियो के अंदर, लेकिन मैं इसको आपको इसी तरीके दिखाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।